नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन बेजान, रूखी सूखी और काफ़ी ज़्यादा सांवली हो गई है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए खासतौर से बनाया गया है। इसके एक बार इस्तेमाल करने से ही आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे देखने को मिल जाएंगे। आपके जो ऑयली स्किन हो जाती है उसकी वजह से जो पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। आपकी स्किन जो सांवली रंगत होती है, जो काला गंदा मैल जमा होता है, वो भी खत्म हो जाएगा। इससे एक तरह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन को ड्रास्टिकली चेंजेस हो जाएंगे, जो कि आपके एक बार इस्तेमाल करने से ही आपकी कोमल सी त्वचा आपको अच्छी लगने लगेगी और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे आपकी पर्सनैलिटी को देख करके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो बताया नुस्खा वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा कारगर भी है। इसमें जो सबसे पहले मैं जो यूज करने वाला हूँ वो है नींबू। दोस्तों, नींबू के अंदर ऐसे प्राकृतिक तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमारे स्किन को गोरा करने के साथ साथ ही हमारा जो ऑयली स्किन होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में बैक्टीरिया, गंदा मैल जमा हो जाता है, उसकी क्लीनिंग करता है, उसकी सफाई करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे स्किन अंदर से टोन हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है और कील मुहासे खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक नींबू लेना है और उसके करीब 2 चम्मच मात्रा रस निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप 2 चम्मच मात्रा नींबू का रस निकाल लीजिए। दोस्तों, इसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारी स्किन की क्लीनिंग करने के लिए और उसको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट करता है। इसी तरीके से दोस्तों, हमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो लेना है हल्दी। दोस्तों, हल्दी के बारे में तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, हल्दी टर्मेरिक पाउडर जो कहते हैं। हल्दी के अंदर काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को ब्राइट करने में सहायता करती है। यानी कि आपने देखा होगा कि इंडियन ट्रेडिशनल में जब हिंदू रीति रिवाज में शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को हल्दी का लेप लगा जाता है, उसकी उपटन तैयार की जाती है। वो इसीलिए की जाती है क्योंकि आयुर्वेद में हल्दी का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कारगर होती है हमारी स्किन के लिए। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी की मात्रा लेनी है और इसके अंदर मिला लेनी है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हल्दी की मात्रा में थोड़ी ही लेनी है, क्योंकि हल्दी अगर ज़्यादा ले लेंगे आप तो आपकी स्किन पीली पड़ जाएगी, जो कि हमें ऐसा नहीं करना है। अब दोस्तों, क्या करना है, हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है पैराशूट, यानी कि कोई कोकोनट ऑयल ले लीजिए, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी कंपनी का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, कोकोनट ऑयल मैं क्यों ले रहा हूँ, कोकोनट ऑयल इसलिए ले रहा हूँ, इसको लगाने से क्या होगा कि हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा चमकीली हो जाएगी, यानी कि हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। तो इसलिए हम इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी करीब 4-5 बूंदें इसके अंदर आप डाल लीजिए। देखिए, मैंने 4-5 बूंदें इसके अंदर डाल ली है। अब दोस्तों, मुझे करना क्या है, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। देखिए, आपको इसकी क्वांटिटी देख रहे हो कि क्वांटिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपको ज़रूरत के हिसाब से इस क्वांटिटी बना के तैयार करनी है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी ज़रूरत है तो आप ज़्यादा मिला लीजिए, नहीं तो थोड़े से ही काम चल जाएगा। मैं सैंपल के तौर पर आपको देख लीजिए एक तरह से बना के दिखा रहा हूँ आपको, देखने में कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन ये जो पेस्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लिक्विड फॉर्म में जो देख रहे हैं, ये इतना कारगर है, इतना कमाल का है कि इसका एक बार इस्तेमाल करने से ही आपकी स्किन का जो गंदा काला मैल है वो आपका हट जाएगा और आपका चेहरा गोरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको अप्लाई कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ। इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल है, या तो आप कॉटन बॉल की सहायता से अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट हाथों की उंगलियों से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको कॉटन बॉल की सहायता से इसको अप्लाई करता हूँ। तो देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से इसमें डिप करना है। इस तरीके से डिप करने के बाद मैं, और मुझे अपने हाथों पर यानी कि चेहरे पर जहाँ पर अप्लाई करना है उस जगह से इस तरीके से आपको मसाज करनी है, इस तरीके से आपको रगड़ना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो नींबू के जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, और जो मैंने लेमन लिया था, लेमन यानी नींबू लिया था, और हल्दी ली थी, और जो कोकोनट ऑयल लिया था, उससे क्या होगा कि हमारे अंदर स्किन के अंदर काफ़ी जो इसके चीज़ें पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो मिल जाएंगे और हमारे जो रोम छिद्र होते हैं उनकी क्लीनिंग हो जाएगी, उनकी सफाई हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, गोरी हो जाएगी, और ऐसा ही नुस्खा आप वीक में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये नुस्खा, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।